नमस्कार, मैं नीता विजय उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। वह आशा करती हूँ आप सरकार के नियमों का पालन करते हुए अपने घरों में सुरक्षित व स्वस्थ होंगे। इस कठिन समय में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तो मेरा अनुरोध है आप सभी घर बैठे बैठे योग अभ्यास करें। और हम भी घर बैठकर योग विभाग की ओर से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि आप तक हर प्रदीपिका के आसनों की क्रियाविधि, उसके सामान्य लाभ और सावधानियां पहुंच सके। तो आइए आज हट प्रदीपिका के आसनों के क्रम में सातवां आसन धनुरासन का अभ्यास करते हैं। तो सर्वप्रथम आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, हाथों को सीधा कर लें, चिन जमीन पर लगाकर रखें, दोनों पैरों को धीरे से ऊपर की ओर मोड़ लें, थोड़ा खोलते हुए सुविधा पूर्वक दोनों पैरों के पंजे या अंगूठे को आप इस प्रकार पकड़ लेंगे जिससे कि आपके पैरों की ग्रिप बनी रहे। छूटे ना हाथ से, श्वास भरते हुए धनु के आकार के समान आपको अपने पैरों को, हाथों को ऊपर की ओर खींचना है जितना आप खींच सकते हैं। अंतिम स्थिति में आपको हाथों को कानों के पास लेकर आना है और कुछ देर के लिए आप इस स्थिति में रुकेंगे, 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड, यथासंभव 1 मिनट, और धीरे से उस स्थिति में आप वापस आएंगे। इस प्रकार शरीर को ढीला छोड़ते हुए जमीन पर दोनों पैरों को सामान्य स्थिति में, कमर पर जो खिंचाव उत्पन्न हुआ, पुनः विश्राम की स्थिति के लिए आप शशांकासन की स्थिति में जाएंगे। दोनों पंजों के ऊपर बैठते हुए, एड़ियों के ऊपर बैठते हुए कमर को खींच ले, हाथों को आगे की ओर खींचकर माथा जमीन पर 10 से 15 सेकंड या 30 सेकंड तक आप इस अभ्यास को कर सकते हैं कमर को विश्राम देने के लिए। पुनः सामान्य स्थिति में आप लौट आएंगे। तो आइए आप कुछ सावधानियां इसमें ध्यान में रखेंगे। यदि आपकी कमर में बहुत अधिक दर्द है, सीवियर कंडीशन है, स्लिप डिस्क, साइटिका या ऐसी कोई भी आपकी कमर में अधिक से अधिक दर्द है, तो उस समय आप इसे नहीं करेंगे। यदि दर्द कम है तब आप कर सकते हैं, परंतु अगर अधिक दर्द है तो आप कोशिश करें इस अभ्यास को ना करें, क्योंकि आपका दर्द और अधिक बढ़ सकता है। जिन्हें हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है या जिन्हें कमर में किसी प्रकार की इंजरी है, वे भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। जिन्हें हर्निया, अल्सर से रिलेटेड किसी प्रकार की आंत से संबंधित कोई समस्या है, तो वह भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। तो आइए इसके लाभ जानते हैं, नियमित अभ्यास करने से इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं। सर्वप्रथम हल्की फुल्की कमर दर्द के लिए, कमर में जो जकड़न रहती है, इसके लिए अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। इसका सीधा प्रभाव आपके उदर के सभी अंगों पर पड़ता है, क्योंकि पेट के बल जब आप जाते हैं तो पूरा अंगों की मसाज होती है, जो आपके डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ आपके लीवर, किडनी के लिए काफी अच्छा प्रभाव देता है। यह कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। इसी के साथ साथ यह अभ्यास आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपके कंधों, भुजाओं, जंघाओं और कमर पर पड़ता है। यह इन्हें लचीला बनाने के साथ साथ सबल बनाता है। तो इस प्रकार आप अभ्यास करके इसके लाभों को उठा सकते हैं।